अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अज़ान टीवी वेबसाइट के खसूसी इंटरव्यू में मैं हूं आपका होस्ट अदील आरिफ। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है कर्नल इमाम साहब, और आप एक बहुत ही वसी तजुर्बा रखते हैं अफ़गानिस्तान के जिहाद में, और इसके अलावा भी बहुत से इनके अस्करी लिहाज से बहुत से वसी तजुर्बात हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। अच्छा कर्नल साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को जो आपके आपको जो बैकग्राउंड है बेसिकली कि ख़ासतौर पर अस्करी हवाले से, उसके ऊपर ज़रा ब्रीफ सी रोशनी डाल दीजिएगा प्लीज़। ये आप, मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि आपका जो अस्करी लिहाज से जो आपका बैकग्राउंड है उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं जी पंजाब चकवाल का रहने वाला हूँ, वहाँ ही तालीम हासिल की थी। उसके बाद मैंने PMA में ज्वाइन किया। ट्रेनिंग के बाद मैं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में गया। 15FF मेरी पहली यूनिट थी, उसमें मैं रहा। वहाँ से मैं SSG में चला गया। SSG में मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा, 8.5 साल गुजारे। उसके बाद मैं फिर अपनी यूनिट में वापस आ गया और वहाँ पे मैंने यूनिट को कमांड किया। और उसके बाद जब अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हुए, सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा कर लिया, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ी लोगों को ट्रेनिंग देने की, तो मुझे भी सिलेक्ट कर लिया गया। वहाँ पे मैं उनकी ट्रेनिंग के लिए आ गया और ISA को ज्वाइन किया और ट्रेनिंग शुरू की। उसमें यह है कि बाकी जो मेरे साथी थे वो तो आते जाते रहे, कोई 3 साल रहा, कुछ 4 साल, कोई 5 साल। मैं शुरू से आखिर तक रहा और 9/11 के बाद मैं वहाँ से फारग हुआ।